नमस्कार, चलिए सुनते हैं कहानी सवेरे वाली गाड़ी। पत्नी के अंतिम संस्कार व 13वीं के बाद रिटायर्ड पोस्टमैन मनोहर गांव छोड़कर मुंबई में अपने पुत्र सुनील के बड़े से मकान में आए हुए हैं। सुनील बहुत मनुहार के बाद यहां ला पाया है। यद्यपि वह पहले भी कई बार प्रयास कर चुका था, किंतु अम्मा ही बाबूजी को ये कहकर रोक देती थी कि कहां वहां बेटे बहू की जिंदगी में दखल देने जाओगे, यही ठीक है, सारी जिंदगी यही गुजरी है और जो थोड़ी सी बची है उसे भी यही रहकर काट लेंगे, ठीक है ना? बस बाबूजी की इच्छा मर जाती। पर इस बार कोई साक्षात अवरोध नहीं था और पत्नी की स्मृतियों में बेटे के स्नेह से अधिक ताकत नहीं थी, इसलिए मनोहर बंबई आ ही गए हैं। सुनील एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियर है, उसने आलीशान घर व गाड़ी ले रखी है। घर में घुसते ही मनोहर ठिठक कर रुक गए, गुदगुदी मैट पर पैर रखे ही नहीं जा रहे थे उनके। दरवाजे पर उन्हें रुका देखकर सुनील बोला, आइए बाबूजी, अंदर आइए। बेटा, मेरे गंदे पैरों से यह चटाई गंदी तो नहीं हो जाएगी? बाबूजी, आप उसकी चिंता ना करें, आइए यहाँ सोफे पर बैठ जाइए। सहमे हुए कदमों में चलते हुए मनोहर जैसे ही सोफे पर बैठे तो उनकी चीख निकल गई, अरे मर गया रे। उनके बैठते ही नरम और गुदगुदा सोफा की गद्दी अंदर तक धस गई थी। इससे मनोहर चिहुक कर चीख पड़े थे। चाय पीने के बाद सुनील ने मनोहर से कहा, बाबूजी आइए, आपको घर दिखा दूं अपना। जरूर बेटा, चलो। बाबूजी, ये है लाबी जहाँ हम लोग चाय पी रहे थे। यहाँ पर कोई भी अतिथि आता है तो चाय नाश्ता और गपशप होती है। ये डाइनिंग हॉल है, यहाँ पर हम लोग खाना खाते हैं। बाबूजी, ये रसोई है और इसी से जुड़ा हुआ ये भंडार घर है, यहाँ रसोई से संबंधित सामग्री रखी जाती है। ये बच्चों का कमरा है। तो बच्चे क्या अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते? बाबूजी, ये शहर है और शहरों में मुंबई है, यहाँ बच्चे को जन्म से ही अकेले सोने की आदत डालनी पड़ती है। माँ तो बस समय समय पर उसे दूध पिला देती है और शेष कार आया आकर कर जाती है। थोड़ा ठहर कर सुनील ने आगे कहा, बाबूजी, ये आपकी बहू और मेरे सोने का कमरा है और इस कोने पर ये गेस्ट रूम है, कोई अतिथि आ जाए तो यहीं ठहरता है। ये छोटा सा कमरा पेट्स के लिए है, कभी कोई कुत्ता आदि पाला गया तो उसके लिए व्यवस्था कर रखी है। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे सुनील ने लंबी चौड़ी छत के एक कोने में बने एक टीन की छत वाले कमरे को खोलकर दिखाते हुए कहा, बाबूजी, ये है घर का स्टोर रूम। घर की सब टूटी फूटी और बेकार वस्तुएं यहीं पर एकत्र कर दी जाती हैं और दिवाली होली पर इसकी सफाई कर दी जाती है। ऊपर ही एक बाथरूम और टॉयलेट भी बना हुआ है। मनोहर ने देखा कि इसी कबाड़खाने के अंदर एक फोल्डिंग चारपाई पर बिस्तर लगा हुआ है और उसी पर उनका झोला रखा हुआ है। मनोहर ने पलटकर सुनील की तरफ देखा, किंतु वो नीचे जा चुका था। मनोहर चारपाई में बैठकर सोचने लगे कि कैसा ये मकान है जहां भविष्य में पाले जाने वाले पशु के लिए कमरे का विधान कर लिया जाता है, किंतु बूढ़े माँ बाप के लिए नहीं। इनके लिए तो कबाड़ का कमरा ही उचित आवास बना है। नहीं, अभी मैं कबाड़ नहीं हुआ हूं। सुनील की माँ की सोच बिल्कुल सही थी, मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। अगली सुबह जब सुनील मनोहर के लिए चाय लेकर ऊपर गया तो कमरा खाली पाया, बाबूजी का झोला भी नहीं था वहां। उसने टॉयलेट व बाथरूम भी देख लिए, किंतु बाबूजी वहां भी नहीं थे। वो झट से उतर कर नीचे आया तो पाया कि मेन गेट खुला हुआ है। उधर मनोहर टिकट लेकर गांव वापसी के लिए सवेरे वाली गाड़ी में बैठ चुके थे। उन्होंने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर देखा कि उनके घर की चाबी मौजूद थी। उन्होंने उसे कसकर मुट्ठी में पकड़ लिया। चलती हुई गाड़ी में उनके चेहरे को छू रही हवा उनके इस निर्णय को और मजबूत बना रही थी।
धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कहानी सवेरे वाली गाड़ी।